देखिए, एक कमेंट आया है एनपीएस अकाउंट को लेकर, और ये कमेंट क्या है, श्वेता कुमारी ने ये लिखते हैं, ऑनलाइन पैन नंबर मिल जाने के बाद अकाउंट कितने दिन में एक्टिवेट हो जाता है और क्या इसके बाद भी कोई प्रोसेस है। देखिए, जब आप एनपीएस के लिए अप्लाई कर दोगे ऑनलाइन, तो आपको जो पैन नंबर मिल रहा है वो तो तुरंत मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। पर आपको पता है, जब आप उसमें फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो, फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, अगर उसी टाइम करोगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर लॉगिन नहीं हो पाएगा, और जो पैन नंबर है आपका वो इनवैलिड दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 24 घंटे का वेट करना है, 24 घंटे का वेट करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे और आपका लॉगिन हो जाता है, मतलब कि फॉरगेट पासवर्ड हो जाता है, फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ता है पहले, और पासवर्ड रिसेट करना पड़ता है, अपना सेट करना पड़ता है। अगर आपका पासवर्ड सेट हो गया, रिसेट हो गया, मतलब लॉगिन हो गया, तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाता है, आपका अकाउंट है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब पासवर्ड रिसेट हो जाए जाए तब एनपीएस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये टू मोटी मोटी बात है, ठीक है। तो आपको जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो तुरंत लॉगिन या कुछ भी ना मत करें, 24 घंटे का वेट करें, उसके बाद करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। और ये देखो, सुबह में 1:35 की वीडियो बना रहा हूँ, तो इस बात के लिए तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है। और थैंक यू वेरी मच।